कैसे हैं आप सब? हालचाल सब बढ़िया? तो आज मोल कॉन्सेप्ट की, मोल अवधारणा की पहली क्लास है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि हम मोल क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है मोल को पढ़ने की, मोल क्या है, मोल की डेफिनेशन क्या होगी, मोल जानने से हमें क्या फायदा होगा, ठीक है, और मोल के बारे में अन्य बातें भी हम आज की क्लास में जानेंगे। तो क्या आप तैयार हैं सब जानने के लिए? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री एंड मैथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपनी क्लास की शुरुआत पहले ही क्वेश्चन से करेंगे कि आखिर हम मोल क्यों पढ़े, क्या जरूरत है मोल को पढ़ने। तो जरा सोचिए कि आप मार्केट गए हुए हैं और मार्केट से आपने चीनी ली। 1 केजी चीनी लेने के बाद आप अपने घर पर वापस आ रहे हैं। घर पर आकर आप उसी चीनी को एक कंटेनर में भर रहे हैं। भरते हुए आपके दिमाग में ख्याल आता है कि चीनी है क्या, एक यौगिक ही तो है, कंपाउंड है। और अगर ये कंपाउंड है तो इसके अंदर क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, अणु होंगे। तो कितने अणु होंगे? अगर चीनी का मेरे पास एक अमाउंट है, एक मात्रा है, और उसमें मुझे पता करना है कि कितने चीनी के अणु हैं, मॉलिक्यूल हैं, तो मैं कैसे पता करूंगा? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन घूमने लग गया और आप ये क्वेश्चन लेके मेरे पास आते, सर अगर चीनी की हमें मात्रा पता तो क्या हम उसके अंदर अणुओं की संख्या बता सकते हैं? आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया, चलिए लिखते हैं इसको। आप 1 केजी चीनी लेकर आए, केमिकल फार्मूला C12H22 हो गया। ये क्या है? चीनी का मास है, द्रव्यमान है, ठीक है। और आपने इसके अंदर क्या पता करना चाहा, कितने मॉलिक्यूल हैं, अणु। अब कुछ ऐसी ही समस्या साइंटिस्ट के सामने थी। साइंटिस्ट के पास क्या थे? द्रव, मैटर। मैटर का मतलब, मैटर में क्या क्या होगा? तो मैटर में तत्व, एलिमेंट, यौगिक, कंपाउंड, आयनिक यौगिक, आयनिक कंपाउंड, ये सब आते हैं। और द्रव्य का निर्माण किससे मिलकर हुआ है? पार्टिकल्स, कणों से। कण के अंदर क्या आते हैं? परमाणु, एटम, अणु, मॉलिक्यूल, आयन। चीनी क्या है? एक यौगिक है, या फिर ये कह रहे चीनी एक द्रव है। साइंटिस्ट के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि वो द्रव्य को द्रव्यमान से तो प्रदर्शित कर पा रहे थे कि इतनी चीनी है, इतने ग्राम चीनी है, मिलीग्राम चीनी है, या कोई भी चीज है, वो इतने ग्राम में। लेकिन जब बात आती थी कि उसके अंदर कितने कण है, क्या है, कण है, तो ये बताना मुश्किल पड़ रहा था कि कितने कण होंगे। प्रॉब्लम समझिए, यहां पर था मास और यहां पर क्या होना है, संख्यात्मक प्रदर्शन। न्यूमरल एक्सप्रेशन कि
अगर हमें किसी भी द्रव्य का अमाउंट पता हो, जैसे 1 केजी चीनी है, तो उस चीनी में कितने चीनी के मॉलिक्यूल हैं ये बताना मुश्किल पड़ रहा था। अब ये तो है नहीं कि हम एक एक मॉलिक्यूल को गिन सकते हैं, क्योंकि कण इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें सामान्य आंखों से देख नहीं सकते हैं, तो जिसको देख नहीं सकते उसको गिन कैसे सकते हैं, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम आ चुकी है, एक तरफ है मास, दूसरी तरफ है नंबर, नंबर भी किनका बताना है जो इतने छोटे हैं सामान्य आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन बताना तो है, क्यों बताना है। चलिए एक रिएक्शन लिख के देखते हैं। जब हम सोडियम को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, NaOH बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, बैलेंस कर लेते हैं। दो परमाणु दौड़ एक रिएक्शन में क्या लिखा गया, परमाणु अर्ग, रियल लाइफ में क्या है, ग्राम। सोडियम किसमें लेंगे, ग्राम में लेंगे ना, पानी किसमें लेंगे, ग्राम में, ml में। अब आप सोचिए, तो जो हमने सोडियम लिया है ग्राम में, उसमें आके सोडियम के कितने परमाणु होंगे, और जो पानी लिया है उसमें पानी के कितने अणु होंगे, क्योंकि यहां पर तो सिर्फ दो दो की रिएक्शन हो रही है, लेकिन जब हम ग्राम में ले रहे हैं तो कितने उस ग्राम के अंदर सोडियम के परमाणु या पानी के अणु होंगे, जानना भी तो जरूरी है ना, कितने मॉलिक्यूल या कितने पार्टिकल रिएक्शन की, बताइए जरा, ठीक है ना। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मोल ने किया, किसने किया, मोल ने। साइंटिस्ट ने बोला कि अगर हम मास को मोल में कन्वर्ट करते हैं तो हम मोल को बड़ी आसानी से पार्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम पार्टिकल के नंबर जानते हैं तो अगर हम नंबर को हम मोल में कन्वर्ट करते हैं तो फिर हम मोल से क्या निकाल सकते हैं, मास बता सकते हैं। इसीलिए जो हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट हैं, उनमें से एक हमारी क्या है, मोल है। मोल एक संख्या नहीं, अभी हम आगे जानेंगे एक मोल में कितना होता है। मोल क्या है, एक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, मूल राशि है, ठीक है, जो क्या करती है, तो द्रव्य के द्रव्यमान, अथवा ये कह सकते हैं निकाय के द्रव्यमान और उसमें उपस्थित कणों की संख्या, दोनों को व्यक्त करती है। अब हम मोल की परिभाषा भी जान लेते हैं कि आखिर मोल की क्या परिभाषा होगी। अभी हमने क्या जाना, मोल एक ऐसी ही मूल राशि है जो किसी निकाय अथवा द्रव्य के द्रव्यमान तथा उसमें उपस्थित कणों की संख्या, ये बात आपको याद रखनी है, द्रव्यमान तथा उसमें उपस्थित कणों की संख्या दोनों को व्यक्त करती है। अब इसी को अगर आप इंग्लिश में एक्सप्लेन करना चाहें तो आप क्या कहेंगे, मोल इट्स सच अ फंडामेंटल एसआई यूनिट विच एक्सप्रेसेस बोथ मास ऑफ सिस्टम और मैटर एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट एंड कोरिलेट देम, किसको कोरिलेट करती है, मास को और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, किसके, किसी सिस्टम और मैटर के, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि सबसे पहले मोल किसने कहा, तो मोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऑस्टवाल्ड ने किया था, टर्म मोल वाज फर्स्ट यूज बाय ऑस्टवाल्ड, और इसका शब्दिक अर्थ क्या होता है, क्या होता है इसका लिटरल मीनिंग, ढेर, पाइप और ही, ठीक है। तो अब हम ये जान चुके हैं कि मोल क्या है, तो क्यों ना इसकी डेफिनेशन भी जान ली जाए। डेफिनेशन क्या होगी, किसी पदार्थ का एक मोल उस पदार्थ की वह मात्रा है,
क्या है? पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें 12C6 समस्थानिक, कार्बन के तीन समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से? 12C6, 13C6 और 14C6, जिसमें से हमने यहां पर कौन सा लिया है? 12C6 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं के बराबर कण होते हैं। बात को समझिए, आप 12C6 समस्थानिक ले कार्बन का, उसके 12 ग्राम ले, और उस 12 ग्राम में 12C6 के जितने भी एटम परमाणु हो उसके बराबर कण यदि किसी पदार्थ की मात्रा में उपस्थित हो तो उसी मात्रा को क्या कह दिया जाएगा? उसी पदार्थ का एक मोल कह दिया जाएगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 12C6 के 12 ग्राम में जितने परमाणु निकलेंगे उतनी ही संख्या के बराबर यदि कण किसी पदार्थ की एक मात्रा में उपस्थित हो, ठीक है ना, तभी एक मोल होगा वो पदार्थ, नहीं तो नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर 12 ग्राम जब हम ये लेते हैं C6 को, तब जो पदार्थ जितने कण निकलते हैं उतने ही 23 ग्राम अगर हम Na को ले, सोडियम को ले, तो उसमें भी निकलेंगे। तो 23 ग्राम जो हमारा सोडियम होगा उसमें उतने ही परमाणु होंगे जितने की किसमें होते हैं, 12C6 में होते हैं, ठीक है। तो 23 ग्राम जो हमारी मात्रा है वो किसके बराबर होगी? सोडियम के एक मोल के बराबर होगी। अब हमने कैसे पता किया, ये जानना भी बहुत जरूरी है, लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है। आपने 12 ग्राम 12C6 में परमाणुओं की संख्या पता कैसे की? परमाणु हम देख तो सकते नहीं हैं, जो देख कर एक एक काउंट कर ले, ठीक है ना। क्वेश्चन यही बन गया यहां पर। अब क्या होगा इसका आंसर, सोचिए जरा। आंसर बहुत सिंपल है, अगर हमें एक 12C6 परमाणु के द्रव्यमान का पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, उससे 12 में भाग दे देंगे, तो जितने परमाणु होंगे हटाक से बाहर निकल आएंगे। तो अब उन परमाणुओं की संख्या को ही पता कर लेते हैं कि कितने परमाणु आखिर होंगे द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे पहले तो हम यहां पर यही जान ले कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से हम एटॉमिक मास अर्थात परमाणविक द्रव्यमान या फिर मॉलिक्यूलर मास अर्थात आणविक द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी तकनीक का सहारा लिया गया और 12C6 के एक परमाणु का अति शुद्ध द्रव्यमान निकाला गया। कितना निकला? 1.99264 8×10⁻²³ ग्राम। अब हमें एक परमाणु का द्रव्यमान पता चल गया है, हमारे पास 12C6 की कितनी मात्रा है, 12 ग्राम। तो अगर हमें परमाणुओं की संख्या पता करनी है तो हम क्या करेंगे, 12 ग्राम में कितने ग्राम से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो कितनी संख्या आई, 6.02213678×10⁻²³ परमाणु एटम्स। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि एक मोल में कितने कण या परमाणु होंगे, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे,
6.022 आगे का छोड़ देते हैं इंटू 10 to power 23 परमाणु एटम्स, ठीक है ना। अब हम अपनी मोल की परिभाषा को थोड़ा बदल के लिखेंगे, कैसे, अर्थात किसी पदार्थ का एक मोल उस पदार्थ की वह मात्रा है। देखिए यहां पर क्या लिखा है, पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें 6.022 × 10³, कितना 6.022 × 10³ कण, कण में कौन कौन से, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, अथवा आयन हो सकता है, होते हैं। तो अगर पदार्थ की एक मात्रा है जिसमें इतने कण हैं, तो उसी को हम क्या कह देंगे, एक मोल। Therefore, one mole of a substance is that amount of it which contains 6.022 × 10²³ particles. Particles में कौन कौन से, atoms, molecules और ions. ठीक है, तो अब हम जान चुके हैं कि एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं। अब इस संख्या को भी कुछ कहा जाता है, क्या कहा जाता है इस संख्या को, चलिए वो भी जान लेते हैं। वैज्ञानिक अवोगाड्रो के सम्मान में इस संख्या, कौन सी संख्या को, 6.022 × 10², को क्या कहते हैं, अवोगाड्रो स्थिरांक कहा जाता है, और इसे Na से प्रदर्शित किया जाता है, इन ऑनर ऑफ साइंटिस्ट अवोगाड्रो। दिस नंबर, नंबर हमारा क्या है, 6.022 × 10², इज कॉल्ड अवोगाड्रोस कांस्टेंट एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय Na। तो हम क्या लिखेंगे, Na इज इक्वल टू 6.022 × 10², यूनिट, इकाई। अब अगर हम एक मोल परमाणु लेंगे तो उसे हम क्या और लिख सकते हैं, Na परमाणु। इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर 6.022 × 10²³ परमाणु होंगे। क्या होगा, अगर एक मोल परमाणु लिख दें तो उसका मतलब क्या हुआ, इतने परमाणु। इसी तरीके से एक मोल अणु लिख दिया जाए तो उसे क्या लिख सकते हैं, Na अणु, और उसमें कितने अणु होंगे, इतने अणु होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से एक मोल अगर हम आयन लेंगे तो उसे क्या लिख सकते हैं, Na आयन, और उसमें कितने आयन होंगे, इतने आयन होंगे। एक मोल इलेक्ट्रॉन लेंगे तो क्या हो जाएगा, Na इलेक्ट्रॉन, और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सीधी सी बात है, अगर किसी सब्सटेंस का एक मोल लिया गया तो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, तो पार्टिकल्स कितने होंगे, 6.022 × 10², ठीक है। तो अब थोड़ी सी और जानकारी मोल के बारे में कर लेते हैं। नोट, किसी भी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या समान होती है। जैसे अगर हम एक मोल Na सोडियम ले तो उसमें कितने होंगे सोडियम के परमाणु, इतने परमाणु, और वहीं पर अगर हम एक मोल हीलियम ले तो उसमें कितने परमाणु होंगे, इतने ही परमाणु। मतलब आप एक मोल अगर किसी का ले रहे हैं तो उसमें परमाणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। फिर वो एक मोल चाहे किसी का भी हो, चाहे आप एक मोल परमाणु ले, चाहे एक मोल अणु ले, आयन ले, इलेक्ट्रॉन ले, कुछ भी ले, लेकिन उसमें क्या होगा, कणों की संख्या क्या होगी, समान होगी, ठीक है। वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हैज सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब पदार्थ के मोलों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एन से व्यक्त किया जाता है, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। अब आगे जानते हैं, किसी तत्व के एक मोल, एक मोल में कितना होता है, इतने कण होते हैं 6.022 × 10²³ परमाणुओं का द्रव्यमान ग्राम परमाणु द्रव्यमान GAM कहलाता है। अर्थात जब हम किसी तत्व के 6.022 × 10³ परमाणुओं का द्रव्यमान लेते हैं तो उसी को ही ग्राम परमाणु द्रव्यमान GAM कहते हैं। इसका मान तत्व के ग्राम में परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ग्राम परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है,
ग्राम में परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब इसको अगर आप इंग्लिश में कहना चाहेंगे तो आप कैसे कहेंगे, मास ऑफ वन मोल एटम्स ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास जी ए एम एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू एटॉमिक मास इन ग्राम्स। ठीक है, अब जरा एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। एक मोल एने तत्व यदि है तो हम इसमें कितने एने परमाणु कहेंगे, 6.022×10^23 एने परमाणु इसमें होंगे। और इसे दूसरी तरह से कैसे व्यक्त करेंगे, एक ग्राम परमाणु एने इसमें कितने ग्राम एने होगा, 23 ग्राम एने होगा। 23 ग्राम एने जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, ग्राम परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मोल हीलियम ली जाए, गैस है जो कि हमारी, तो इसमें कितने हीलियम के परमाणु होंगे, एटम्स होंगे, 6.022×10^23 हीलियम के एटम्स होंगे, परमाणु होंगे। इसे हम ग्राम परमाणु में कैसे लिखेंगे, 1 ग्राम परमाणु हीलियम। और इसे अगर हम ग्राम परमाणु द्रव्यमान में व्यक्त करना चाहे, जीएम में व्यक्त करना चाहे, तो कितना लिखेंगे, 4 ग्राम हीलियम। क्योंकि हीलियम का जो क्या होता है परमाणु द्रव्यमान होता है वो 4 होता है और सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, एटॉमिक मास होता है, वो होता है 23। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, 1 ग्राम परमाणु Na तत्व के लिए लिखना ज्यादा सही रहता है बजाय लिखना 1 मोल Na के। ठीक है, लेकिन क्या होता है हम मोल पढ़ते हैं, मोल ही लिख रहे हैं, तो फिर दिमाग में क्या आ जाता है, मोल। तो जब भी आपको 1 ग्राम परमाणु Na लिखा हुआ दिख जाए तो आप क्या समझेंगे, 1 मोल Na बोला गया है वहां पर। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ, 6.022×10^23 Na परमाणु। ठीक है, और इनका द्रव्यमान कितना होगा, 23 ग्राम Na होगा। ठीक है, अब क्या यही बात यौगिकों पर भी अप्लाई होती है, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। जी हाँ, ये बात यौगिकों पर भी अप्लाई होती है, बस अंतर क्या होता है, वहां पर हम ले रहे थे ग्राम परमाणु द्रव्यमान और यहां पर हम क्या लेंगे, ग्राम अणु द्रव्यमान। चलिए अब इसको जानते हैं कैसे। किसी यौगिक के 1 मोल अर्थात 6.022×10^23 अणुओं का द्रव्यमान ग्राम अणु द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्राम अणु द्रव्यमान। अगर यौगिक के 1 मोल अणु है और अगर आप उनका द्रव्यमान निकाल रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्राम अणु द्रव्यमान, GMM। तथा इसका मान यौगिक के किसके बराबर होता है, ग्राम में आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल टू इट्स ग्राम मोलर मास, यहां पर आप मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हैं, GMM, एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। चलिए अभी से हम एग्जाम्पल से समझते हैं। 1 मोल H2O, H2O क्या हमारा यौगिक है, पानी है H2O, इसमें कितने अणु होंगे, 6.022×10^23 H2O के अणु होंगे। इसे हम और कैसे व्यक्त कर सकते हैं, 1 ग्राम अणु H2O भी लिख सकते हैं। और इसका जो द्रव्यमान होगा, कौन सा द्रव्यमान, ग्राम अणु द्रव्यमान, जो किसके बराबर होता है, यौगिक के ग्राम में आणविक द्रव्यमान के, पानी का मतलब H2O का जो आणविक द्रव्यमान होता वो होता 18। तो इसका ग्राम अणु द्रव्यमान या फिर ग्राम मोलर मास कितना हो जाएगा, 18 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब जैसा हमने पीछे बोला था वही हम यहां पर भी बोलेंगे कि यौगिक के लिए ग्राम अणु शब्द का प्रयोग ज्यादा उचित होता है बजाय मोल के, और तत्व के लिए ग्राम
परमाणु शब्द का प्रयोग ज्यादा अच्छा होता है बजाय मोल के, लेकिन मोल ज्यादा यूज हो रहा है तो मोल मोल हो गया है। अब एक मोल NaOH अगर लिया जाए तो उसमें कितने NaOH के अणु होंगे? 6.02×10^23 NaOH के अणु होंगे। और इसे हम दूसरी तरह से कैसे लिखेंगे? 1 ग्राम अणु NaOH, इसका जो ग्राम अणु द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, या ग्राम आणविक द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? 40 ग्राम होगा, क्योंकि NaOH का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 40 होता है। ठीक है, अब 1 मोल हाइड्रोजन गैस अगर ली जाए तो उसमें इतने हाइड्रोजन के अणु होंगे? कैसे लिखेंगे इसको? 1 ग्राम अणु हाइड्रोजन, और इसका ग्राम अणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 2 ग्राम। ठीक है, तो अब जरा हम अपनी रिएक्शन पे चलते हैं। हम इतना सब तो जान ही चुके हैं, हमने जो रिएक्शन पहले लिखी थी उसे लिखते हैं दोबारा से। लीजिए, हम आ गए अपनी रिएक्शन के पास। जो हमने सबसे पहले लिखी थी क्या था? सोडियम को जब हमने पानी में डाला तो क्या बना? NaOH और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। हमने नीचे क्या लिखा था? 2 परमाणु सोडियम के जब 2 अणु हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? 2 अणु NaOH और 1 अणु हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। अब जरा इसे हम डबल करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इनकी मात्रा ग्राम में पता करनी होगी अगर हमें बिल्कुल ऐसी रिएक्शन करानी है। ठीक है, तो हमने इसको दुगना किया, तो यहाँ पर कितने हो गए? 4 अणु हो गए, 4 परमाणु हो गए, क्योंकि 2 दूनी 4। यहाँ पर कितने हो गए? 4। यहाँ पर कितने हो गए? 4 हो गए। यहाँ पर कितने हो गए? 2 अणु हो गए। ठीक है, अब यदि हम अवोगाद्रो संख्या से गुणा करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 × अवोगाद्रो संख्या इतने परमाणु, 2 × अवोगाद्रो संख्या इतने पानी के अणु, 2 × अवोगाद्रो संख्या इतने NaOH के अणु बनेंगे, और 1 × अवोगाद्रो संख्या इतने अणु हाइड्रोजन के मुक्त होंगे। अब इसी को यदि हम मोल में बदल लें तो इसे क्या लिखा जाएगा? 1 मोल, तो 2 × 1 मोल अर्थात 2 मोल Na, 2 मोल किसे क्रिया करेगा? जल से, तो क्या बनेगा? 2 मोल NaOH बनेगा और 1 मोल हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। अब अभी हमने इसे ग्राम आणविक द्रव्यमान और ग्राम परमाणविक द्रव्यमान में बदला था, तो उसी को वापस यहां पर ले आते हैं। 1 मोल Na में कितने ग्राम होते हैं? 23 ग्राम, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे? 46 ग्राम। देखिए, इसको यहां पर बंद कर देते हैं। 1 मोल H2O में कितने ग्राम H2O होता है? 18 ग्राम, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा? 36। ऐसे ही 2 मोल, वो सॉरी, 1 मोल NaOH में कितने ग्राम NaOH होता है? इतना ग्राम NaOH होता है, 40 ग्राम, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा? 40 × 80 ग्राम हो जाएगा। और 1 मोल हाइड्रोजन गैस में कितने ग्राम होते हैं? हाइड्रोजन गैस 2 ग्राम, तो एक ही तो है, कितने हो जाए? 2 ग्राम। तो यदि हम पानी के 36 ग्राम में 46 ग्राम सोडियम डालें तो हमें कितना NaOH मिलेगा? 80 ग्राम। ठीक है, और कितनी हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी? 2 ग्राम। अब आपके बात समझ में आ गई होगी कि यहां पर हमने क्या लिए थे? परमाणु अणु, और यहां पर हम कहां पहुंच गए? ग्राम में। हेल्प किसकी ली हमने? मोल की। ठीक है, तो मोल एक ऐसी मूल राशि है जो कणों की संख्या और द्रव्यमान दोनों को व्यक्त करती है। ठीक है, तो आज की क्लास पढ़ने से मैं क्या फायदा हुआ? फायदा जानना चाहेंगे आप? आप एक गिलास पानी पीता, अगर आपको यह पता है कि हमारे गिलास में कितना पानी था ML में या ग्राम में, तो आप ये तक बता सकते कि आपने पानी के कितने अणुओं को पी लिया। ठीक है, आप कार्बन पेंसिल से साइन करते हैं, आप ये बता सकते हो साइन में कार्बन के कितने एटम्स हैं, परमाणु हैं, बस बशर्ते आपको ये बताओ ना जी वो कितने ग्राम का है, मिलीग्राम का है। ठीक है, अब
जब रिसर्च होती है तो वहां पर रिएक्शंस लगाई जाती है, रिएक्शन लगाई जाती है तो वहां पर जो पदार्थ की मात्रा ली जाती है वो मिली मोल में ली जाती है। ठीक है, तो अब आप सोच लीजिए कि जब पदार्थ की मात्रा मिली मोल में ली जाती है तो उसे किसमें कन्वर्ट किया जाता है, ग्राम में। ठीक है, तो इस आधार पर आप जान लीजिए कि मोल कब तक काम आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए जिन्हें मोल में काफी दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या जानेंगे, एक मोल की वैल्यू आखिर कितनी होती है। अगर आपको मौका मिले करोड़पति, अरबपति, लखपति या मोलपति बनने का, तो आप क्या बनना चाहेंगे, मोल के फार्मूले क्या है, कोई ट्रिक है कि हम एक ही ट्रिक में मोल के सभी फार्मूले तैयार कर लें, और कुछ मोल के क्वेश्चंस लगाएंगे। तो अब मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में।